अखिलेश, तुम तो आज भी हल बैल ही चला रहे हो। अरे भैया, ट्रैक्टर वैक्टर ले लो, ट्रैक्टरों का जमाना है। ये हल बैल को छोड़ो, ट्रैक्टर से जमीन जोता करो भैया। ये कहाँ पुराने जमाने की बातें लेकर बैठे हो। 2023 चल रहा है, तुम कहो तो हम ट्रैक्टर दिलवा दें। अरे मोदी जी, धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारा। अरे ट्रैक्टर हमारे खड़ा है घर भैया। अरे भैया, तुमने महंगाई इतनी कर रखी है डीजल पे, 1 बीघा जमीन बिक गई हमारी डीजल खरीदते खरीदते भैया। इसलिए बैलों से काम चला रहे हैं, पानी पीते हैं, पूरा दिन चलते हैं, नो डीजल नो पेट्रोल। भैया तुम्हारी महंगाई में तो पुराने ज़माने की बातें यूज़ करनी पड़ेंगी भैया हमें। अगर अब के ज़माने से चलेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे भैया। तुम्हारे ट्रैक्टर से हमारे हल बैल ही अच्छे हैं, फ्री में काम हो जाता। बस चारा दो, पानी दो, पूरा दिन जो तो। अरे अखिलेश, हम तो तुम्हारी फायदे की बात कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारा काम जल्दी हो जाया करेगा और मेहनत भी कम लगा करेगी। क्यों मासूम जानवरों की बद्दुआ ले रहे हो भैया? भैया इनको छोड़ो, ट्रैक्टर पकड़ो। ओ हो मोदी जी, फायदा? तुम अपने फायदे की बात कर रहे हो, हमारे फायदे की बात कर रहे हो हैं? अरे बड़ी चालाक बननी हो हैं। अरे हम मेहनती आदमी हैं, यूपी के पट्टे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी तरह ठलुआ आदमी नहीं है भैया, जो बिना हाथ पैर चलाए काम कर लेंगे। भैया यहाँ हाथ पैर चला के कमा के जब खाना पड़ता, ऐसी बात ना मोदी जी, हम करना जानते हैं सब। और अगर तुम्हें ज़्यादा ही तरस आ रहा है इन बैलों पे, भैया इनकी जगह तुम जुड़ जाओ, एक तरफ तुम जुड़ जाओ, एक तरफ योगी जी को जोड़ दो। भैया हम तो फिर भी इनसे काम कर लेंगे, उनसे काम चला लेंगे, लेकिन डीजल ना खरीदने के मोदी जी। कभी जाती चालाकी में दम भर रहे हो। अरे अखिलेश, तुम तो यार उल्टी बातें करने लगे। अरे यार, हम तो एक तुम्हें सीधी राह दिखा रहे थे। अरे चलो ठीक है भैया, ठीक है, जैसा तुम करो, हम जा रहे हैं।